प्रचंड वोटों के साथ जीत दर्ज कर द्रौपदी मुर्मू देश के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। उनकी जीत का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा घाघरा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्याम किशोर पाठक एवं रांची महापौर आशा लकड़ा के अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय चांदनी चौक से लेकर घाघरा से लेकर ब्लॉक चौक तक विजय जुलूस निकाला एवं जीत का जश्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लड्डू खिलाकर लोगों का मुंह मीठा कराया। वहीं रांची महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि ये जीत जल जंगल जमीन एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के एक यथावत प्रधानमंत्री है जो आदिवासी के बारे में सोचते हैं एवं आदिवासियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं एवं आदिवासी महिलाओं के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। वहीं जीते हुए महिलाएं एवं पुरुष जनप्रतिनिधि पंचायत समिति उप प्रमुख वार्ड सदस्य को फूलमाला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर महापौर आशा लकड़ा के द्वारा सम्मानित किया गया। आज बहुत गर्व का विषय है, जिस तरह से अपने देश में आज़ादी के बाद और आज़ादी के ये अमृत महोत्सव में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी महिला जो एक आदिवासी समाज से निकल कर के आती है, जिनका सामाजिक राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर एक अनुभव प्राप्त है और आज जिस तरह से समाज का ताना बाना से एक संघर्षशीलता महिला सर्वश्रेष्ठ ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसी महिला को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था और आज वह जीत गई हैं। मंडे को उनका शपथ ग्रहण है। ऐसी महिला के द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ और साथ में आज घाघरा प्रखंड की तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत से जुड़ करके आए हो, मुखिया हो, जिला परिषद के सदस्य, ऐसे तमाम लोग यहाँ आए हैं उत्साह मनाने के लिए कि आज द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई हैं और आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। ऐसी महिला जो झारखंड की गवर्नर रही, बेदाग उन्होंने काम किया है। ऐसी महिला, संघर्षशील महिला, एक प्रेरणादायी महिला, एक सर्वश्रेष्ठ महिला, जिनको अंत्योदय का सोच लेकर के मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने, एनडीए की पूरी टीम ने और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किए हैं, ऐसे लोगों ने जिता करके सामने लाए हैं। उनके विजय उत्सव पर आज घाघरा में विजय उत्सव हम सब मना रहे हैं और इसीलिए पूरी टीम, हमारा महामंत्री जिला मिसिर कुजूर जी, हमारा मंडल अध्यक्ष श्याम किशोर पाठक जी, हमारे हमारा मंडल अध्यक्ष गोपाल गोप जी, ऐसे तमाम लोग, हमारा पूरा टीम, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और एक एक कार्यकर्ता आज सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी का विजय उत्सव के लिए आए हैं, तिरंगा को दिखाने के लिए आए हैं कि भारत श्रेष्ठ हो, देश श्रेष्ठ हो, उसके बाद व्यक्ति हो। ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठने वाली दीदी को हम लोग हार्दिक शुभकामना और बधाई करते हैं और आज का विजय उत्सव में सबको शामिल होने के लिए सब हम आए हैं। आज राष्ट्र सर्वोपरि इस सोच के साथ में हम राष्ट्रपति का विजय उत्सव मना रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।